गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। कल रात को मुझे यहाँ पहुँचने में काफ़ी लेट हो गई थी, इसलिए मैं यहाँ के कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाया। मैं बस आया और आगे सो गया, मैं काफ़ी थका हुआ था। बट आज का दिन हम पूरा मनाली एक्सप्लोर करेंगे। आज का मेरा प्लान है जोगिनी फॉल्स, वशिष्ठ टेम्पल, मनु टेम्पल, हडिम्बा देवी टेम्पल और मॉल रोड वगैरह एक्सप्लोर करने का। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मनाली की जो वाइब है ना, वो इतनी इंस्पायरिंग वाइब है कि आप अपने आप को यहाँ अगर कोई इंस्पायरिंग बुक पढ़ने से या कोई ऑडियो शो सुनने से रोक ही नहीं पाओगे। अब बुक पढ़ने के लिए तो आपको एक प्रॉपर फिजिकल बुक लेके एक पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ उसको पढ़ना पड़ता है, लेकिन ऑडियो बुक्स को सुनना एक काफी ईजी और कन्वीनियंट तरीका है। और ऑडियो बुक्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा इंडिया का लार्जेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म कुकू FM। कुकू FM पे आपको 4,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज की लाइब्रेरी देखने को मिलती है। और रिसेंटली मैंने इनकी एक ऑडियो बुक थिंक लाइक ए मंक को सुना था, और करंटली मैं इनकी एक दूसरी ऑडियो बुक कांट हर्ट मी को सुन रहा हूँ। कांट हर्ट मी फॉर्मर US नेवी सील डेविड गोगिंस की एक बुक है, जो कि अपने सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज की वजह से फेमस है। इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि कैसे हमारा माइंड जो है हमारी बॉडी से काफी ज्यादा पावरफुल है, और किस तरह हम इसे अपने पूरे पोटेंशियल पे यूज कर सकते हैं। और अगर आप भी इस ऑडियो बुक को सुनना चाहते हैं तो आप कुकू FM का एनुअल सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जो कि आपको जनरली 399 का कॉस्ट करता है। लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड ट्रेवल50 यूज करेंगे तो आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपकी इफेक्टिव कॉस्ट सिर्फ 199 रुपीज की होगी। ये ऑफर सिर्फ फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए वैलिड है, तो जल्दी साइन अप कीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, अभी हम लोग जोगिनी फॉल जा रहे हैं, और कहते हैं कि ये जो वाटरफॉल है वो हिमाचल का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। और यहाँ तक का जो रास्ता है वो एकदम काफ़ी पतली गलियों में से होते हुए निकलता है, और यहाँ से ही पूरा मनाली दिखता है। आई थिंक ये वाला जो एरिया वो ओल्ड मनाली है, और बाकी जो हम जिस एरिया में हैं वो वशिष्ठ एरिया है, और सामने मनाली है। बेसिकली बीच में बस एक रिवर है, और इतना ही डिफरेंस है। काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है यहाँ से मनाली का। ये वाटरफॉल जो है इतना तेज फ्लो है इसका, और हमें यहाँ से क्रॉस करके जाना है आगे जोगिनी फॉल्स के लिए। जोगिनी फॉल्स का ये ट्रैक 3 किलोमीटर लंबा है, जो कि मनाली के वशिष्ठ टेम्पल से शुरू होता है। जोगिनी फॉल्स सिर्फ एक वाटरफॉल ही नहीं, बल्कि एक रिलीजियस इम्पोर्टेंस की जगह भी है, क्योंकि इस वाटरफॉल के बेस पे यहाँ की लोकल गॉडेस जोगिनी माता का मंदिर भी है। जोगिनी माता मनाली की एक काफी इम्पोर्टेंट गॉडेस है, तो अगर आप भी इस वाटरफॉल पे विजिट करने आ रहे हैं तो ऊपर आकर किसी भी तरह का कचरा ना फैलाएं। पूरी हाइक पे हमारे अलावा कोई भी नहीं है, मतलब जब हम भृगु लेक भी गए थे उस टाइम पे भी रास्ते में कोई नहीं था, और अब जब जोगिनी फॉल्स आ रहे हैं तो यहाँ पे भी रास्ते में कोई नहीं है, और जगह भी काफ़ी सिक्लूडेड सी है। वो ऊपर वहाँ से जो आ रहा है वो जोगिनी फॉल्स है, और यहाँ से बहुत ग्रैंड दिख रहे हैं। कितनी कितनी हाइट से आ रहे हैं, अभी ऊपर तक जाते हैं और फिर वहाँ से आपको टॉप से दिखाते हैं। मतलब वैसे वैसे जो हाइक है वो उतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, बट रास्ते में कुछ इस तरह के रास्ते भी आते हैं जहाँ थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, तो अगर आप यहाँ आ रहे हो तो थोड़ा सा सेफली आना। हाइक डिफ़िकल्ट नहीं है, बट कुछ कुछ जगह थोड़ा सा ट्रिकी है। Look at this. Wow. Look at this! कितनी हाइट से गिर रहा है यार ये, और कितनी तेज हवा है यहाँ पे। Oh man! वाह, बहुत ज्यादा ठंड हो गई है यहाँ पे, ज्यादा देर रुका भी नहीं जा रहा है, तो बस थोड़ी देर और रुकते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से। और भाई व्यू, और इतना तेज पानी का फ्लो है ना, बहुत ज्यादा तेज है। यहाँ एक मेडिटेशन एरिया का बोर्ड भी लगा हुआ है, और आई थिंक इस केव में शायद कहीं जाके मेडिटेशन करते होंगे लोग। कितनी हाइट से गिर रहे हैं, ये आई थिंक मनाली का या हिमाचल प्रदेश का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, पता नहीं सिर्फ मनाली का या हिमाचल का है, बट बहुत बहुत ह्यूज है यार, और बहुत हाइट से और बहुत तेज़ गिर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। 150 फीट की हाइट से गिरने वाला ये वाटरफॉल मनाली का सबसे ऊँचा वाटरफॉल है, और अनडाउटेडली सबसे सुंदर वाटरफॉल भी। इस वाटरफॉल के पास आके एक बहुत ही पीसफुल सी वाइब फील होती है, शायद इसलिए क्योंकि यहाँ आके हमें रियलाइज होता है कि नेचर कितना पावरफुल है और इसके आगे हम कितने छोटे हैं।
यहाँ वाटरफॉल और वहाँ स्नो कैप माउंटेन्स एक साथ में, बहुत ही अमेजिंग व्यू है यार। ठंड बहुत हो गई है तो थोड़ी जैकेट वगैरह पहन लिए और बस अब चलते हैं। तो वाटरफॉल पे कुछ एक घंटा स्पेंड करने के बाद इट वॉज टाइम टू लीव। तो गाइज अभी मैं यहाँ जिप लाइन ट्राई कर रहा हूँ। वैसे मुझे बहुत डर लगता है इससे, बट एक एडवेंचर एक्सपीरियंस के लिए भी ट्राई करते हैं। और ये पूरी वहाँ तक जाएगी यहाँ से, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, बट लेट्स ट्राई। चलो ठीक है, पैर आगे, बस इंजॉय। अब इस पॉइंट पे मेरी जिप लाइन बीच रास्ते में ही रुक गई थी, जो कि जनरली होता नहीं है। और एक बार के लिए तो मैं काफ़ी डर गया था, लेकिन सामने से तुरंत जिप लाइन वाले भैया आए और मैन्युअली मुझे दूसरे एंड तक ले गए। वायर को पकड़ना है क्या अभी? हाँ, आ जाइए, उठ जाइए। सो गाइस, जिप लाइन कर लिया मैंने, एक्सपीरियंस सही था, बट मेरी वो बीच में अटक गई थी वहाँ पे, और एक सेकंड के लिए मुझे लगा, और वो वहाँ से अटक के पीछे जाने लग गई थी मेरी लाइन, तो मुझे बहुत डर लग गया था एक सेकंड के लिए। तो वो भैया कह रहे थे थोड़ी स्पीड स्लो हो गई थी, इस रीजन से शायद अटक गया था बीच में। सो गाइस, अभी ब्रेकफास्ट करने एक कैफ़े में आए, और काफ़ी सही वाइब है यहाँ पे, मतलब जो इंटीरियर्स वगैरह है काफ़ी सही है। अभी आपको एक पूरा कैफ़े का ओवरव्यू दिखाता हूँ मैं। ब्रेकफास्ट डन, एक्चुअली ब्रेकफास्ट नहीं था वो, लंच भी नहीं था, एक्चुअली ब्रंच था आज का। और अब आगे प्लान है कि वशिष्ठ टेम्पल जाएंगे, और थोड़ा बहुत अगर टाइम मिला तो मनाली को थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे। वशिष्ठ टेम्पल मनाली के सबसे इम्पोर्टेंट मंदिरों में से एक है। ये मंदिर 4000 साल पुराना है, जो कि ऋषि वशिष्ठ को समर्पित है। ऋषि वशिष्ठ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वैदिक ऋषि थे, जो कि भगवान राम के कुलगुरु भी थे। ये पूरा मंदिर बहुत हाई क्वालिटी वुडन आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, जो कि बहुत ही सुंदर दिखता है। ये मंदिर ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन इतने लिमिटेड एरिया में यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर है। यहाँ की वुडन कार्विंग्स को देख के हमें रियलाइज़ होता है कि हमारा एंशियंट हिंदू आर्किटेक्चर कितना रिच और एडवांस था। इस मंदिर में एक हॉट वाटर स्प्रिंग भी है, जो कि काफ़ी पवित्र मानी जाती है। माना जाता है कि यहाँ के पानी में काफ़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती है, और यहाँ डुबकी लगाने से काफ़ी तरह की स्किन रिलेटेड डिजीज़ भी क्योर हो सकती है। इस हॉट वाटर स्प्रिंग के पीछे की हिस्ट्री ये है कि एक बार लक्ष्मण जी ने अपने बाण से इस स्प्रिंग को बनाया था, ताकि ऋषि वशिष्ठ को नहाने के लिए दूर तक चल के ना जाना पड़े। और आज भी चाहे कैसा भी मौसम हो, इस स्प्रिंग में हमेशा गर्म पानी ही आता है। वशिष्ठ टेम्पल के बाद मेरी आज की अगली डेस्टिनेशन थी हडिम्बा देवी टेम्पल। हडिम्बा देवी मंदिर भी मनाली का एक काफ़ी फेमस मंदिर है, जो कि वशिष्ठ टेम्पल से करीब 5 किलोमीटर दूर है। सो गाइस, अभी मैं हडिम्बा देवी मंदिर में आया हूँ, जो कि मनाली के सबसे फेमस मंदिरों में से एक है। और ये मंदिर जो है वो महाभारत में भीम की वाइफ हडिम्बा देवी को समर्पित है, और यहाँ का आर्किटेक्चर भी किसी बाकी हिंदू मंदिर से काफ़ी अलग है। और ये जगह कितनी फेमस है, ये आपको यहाँ का क्राउड देख के पता चल ही रहा होगा।
तो अभी अंदर मंदिर चलते हैं और फिर बाकी जगह को एक्सप्लोर करते हैं। तो हडिम्बा देवी मंदिर के अलावा यहाँ एक घटोत्कच मंदिर भी है, और घटोत्कच जो है वो हडिम्बा देवी और भीम जी के बेटे हैं, जिनका महाभारत के वॉर में भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था। और जगह काफ़ी अच्छी है यार, मतलब हर तरफ आपको पेड़ वगैरह देखने को मिलेंगे, काफ़ी चिल वाइब्स हैं यहाँ पे। हालांकि टूरिस्ट बहुत है तो थोड़ा सा वो वाला फील कम रहता है। हडिम्बा देवी मंदिर के अंदर तो कुछ कैमराज अलाउड नहीं थे, तो मैंने जितना भी दिखाया वो बाहर बाहर से दिखा पाया मैं। देखते हैं अगर घटोत्कच मंदिर के अंदर कैमराज अलाउड होंगे तो। गाइज ये पीछे जो है ये घटोत्कच मंदिर है, और ये मंदिर भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक्चुअली दोनों ही मंदिर जो है, हडिम्बा देवी मंदिर और घटोत्कच मंदिर, वो ज़्यादा बड़े मंदिर नहीं है, छोटे मंदिर हैं। बट यहाँ काफ़ी रिलीजियस इंपॉर्टेंस है यहाँ की, और अगर आप मनाली आओ तो ज़रूर इन दोनों मंदिर में आप विजिट कर सकते हो। तो गाइज ये मंदिर जो है वो ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन वन टाइम विजिट के लिए आप आ सकते हो। और अभी मैं जा रहा हूँ मनु टेम्पल यहाँ का एक, और ये सब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। बट मनाली की जो रोड्स है ना, वो पूरी रोड्स जहाँ पे भी आप जाओगे थोड़ा स्टीप है हर जगह, तो यहाँ पे वॉक करना भी अपने आप एक टास्क ही है। बट यहाँ से कुछ 20-25 मिनट का रास्ता बता रहे हैं, तो देखते हैं वहाँ जाके, और अगर वहाँ अंदर फोटोग्राफी अलाउड हुई तो आपको मंदिर अंदर से भी दिखाता हूँ। ये रोड यहाँ पे चल के ऐसा लगता है कि आप किसी जंगल के बीच से जा रहे हो, क्योंकि चारों तरफ आपको पेड़ मिलते हैं और काफ़ी ऊंचे ऊंचे पेड़। आई थिंक ये रोडोडेंड्रोन करके या फिर पाइन ट्रीज होंगे शायद, इसका मुझे कंफर्म नहीं पता। बट और काफ़ी ठंडक है यहाँ पे, थोड़ा कूल टेम्परेचर है यहाँ का, क्योंकि हर तरफ पेड़ है इसलिए। और जब ये यहाँ पे नीचे वाला स्लोप होता है ना, तो वॉक करके बहुत ही सही लगता है। बट चढ़ते टाइम जो स्टीप हो जाता है, वो काफ़ी स्टीप हो जाता है, कई बार तो आपको ब्रेक ले लेके चलना पड़ता है रोड्स पे भी। बट अभी थोड़ा नीचे की तरफ है स्लोप, तो काफ़ी सही लग रहा है वॉक करके। और यहाँ से कुछ 10-15 मिनट का रास्ता हो रहा है मनु टेम्पल का। तो फाइनली अब पहुँच गए मनु टेम्पल। मनु टेम्पल मनाली का एक काफ़ी पुराना मंदिर है, जो कि मनु ऋषि को समर्पित है। माना जाता है कि मनु ऋषि ब्रह्मा जी द्वारा बनाए हुए पहले इंसान थे, और पूरे इंडिया में मनु ऋषि को डेडिकेटेड ये एकमात्र मंदिर है। इनफैक्ट मनाली का नाम भी मनु ऋषि के नाम पे ही रखा गया है, क्योंकि एक टाइम पे मनु ऋषि इसी जगह पे बैठ के मेडिटेट किया करते थे। गाइज ये जो एरिया है, ये पूरा ओल्ड मनाली वाला एरिया है, और यहाँ लिटरली हर 10 कदम पे आपको इतने सारे एस्थेटिक कैफे और रेस्टोरेंट मिल जाते हैं ना यार। अगर आप एक चिल्ड आउट वेकेशन स्पेंड करना चाहते हैं ना, तो दिस इज़ द प्लेस। ओल्ड मनाली ज़रूर आएँ, बहुत सही प्लेस है यार। ये किसी हॉन्टेड फिल्म का सेट सा लग रहा है, लंबे लंबे पेड़, पतली सड़कें, अंधेरा होता हुआ। तो गाइज ये मनाली की मॉल रोड है, और वीकेंड हो, वीकडे हो, कुछ भी हो, ये जगह आपको हमेशा क्राउडेड ही मिलेगी। बट बहुत हैपनिंग प्लेस है, यहाँ आपको इतने सारे रेस्टोरेंट्स, कैफे, शोरूम सब कुछ देखने मिलेगा। हमेशा बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहती है जगह, बट बहुत ज़्यादा ही हैपनिंग प्लेस है। मॉल रोड मनाली की सबसे हैपनिंग प्लेस है, और ये जगह आपको हर टाइम पे क्राउडेड ही देखने को मिलेगी। मॉल रोड पे आपको हर तरह के कैफे, रेस्टोरेंट, शोरूम और लोकल हैंडीक्राफ्ट की शॉप्स देखने को मिलती है, और शाम के टाइम पे तो इस जगह की फील बहुत ही स्पेशल होती है।
इवन दो ये जगह आपको हमेशा क्राउडेड ही मिलेगी, बट स्टिल मनाली आकर मॉल रोड इज अ मस्ट विजिट प्लेस। तो कुछ इस तरह मैंने आज के पूरे दिन मनाली को एक्सप्लोर किया और फाइनली रात के 9 बजे मैं अपने हॉस्टल पहुंचा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली सीरीज में, टिल दैट टाइम गुड बाय।